आज तक आपने अपने जीवन में कई तरह के माफिया सुने होंगे, जैसे कि शराब माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया। लेकिन क्या आपने कभी पानी माफिया सुना है? जी हाँ, गुरुग्राम में पुलिस ने एक पानी माफिया गैंग पर काबू पाया है। असल में पूरा मामला ये है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में पानी की सप्लाई पर एक तरफा राज कायम करने को लेकर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जो कि लोगों के साथ मारपीट, झगड़ा, लूट, डकैती और धमकी दिया करते थे और पानी माफिया बनकर राज करना चाहते थे। दरअसल गुरुग्राम सेक्टर 10 के थाने में एक शिकायत मिली थी, जिसके मुताबिक पंकज जो कि पीड़ित है, वो पानी के टैंकर कंपनियों में सप्लाई करने का काम करता है। पंकज गढ़ी हरसूर गांव का रहने वाला है। वहीं उसी गांव का एक और लड़का हितेश भी पानी सप्लाई का ही काम करता है। दरअसल हितेश का जिस कंपनी में पानी को लेकर विवाद चल रहा था, उसी कंपनी में पंकज ने कंपनी की पानी जरूरतों को देखते हुए पानी सप्लाई कर दिया, जिससे नाराज होकर हितेश अपने साथियों के साथ पंकज के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कारोबारियों से धमका कर पैसे मांगने और पैसे ना देने पर इसका अंजाम भुगतने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तोता गैंग और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस इस पानी माफिया गैंग के 7 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ समय पहले इस गैंग ने मिलकर एक कारोबारी पर हमला कर उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। जी हाँ, तोता गैंग शहर में सप्लाई होने वाले पीने के पानी पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए अगर कोई तोता गैंग से पानी लेना बंद कर देता और किसी दूसरे कारोबारी से पानी लेना शुरू कर देता, तो ये गैंग पानी सप्लाई करने वाले कारोबारी के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर तोड़ देते थे। इस गैंग के हेड सुनील और उसके साथियों पर गुरुग्राम, झज्जर व दिल्ली में लड़ाई झगड़ा, अपहरण, लूट, छीना झपटी, हत्या, हत्या का प्रयास, मादक पदार्थ, अवैध शराब व अवैध हथियार सप्लाई करने जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों से 2 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा, 28 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 1 डंडा, 1 लोहे का पाइप और 1 सरिया, 1 स्कॉर्पियो बरामद किए हैं। ये 12 जनवरी को एक पे पानी सप्लाई करने वाले लड़के का कुछ लोगों ने मिलके बुरी तरह से उसके साथ लाठी, डंडे, रॉड और हथियारों से, फायर आर्म्स के साथ उस पर हमला किया। उसके काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाई और उसके 40,000 रुपये भी लूट ले गए थे, जिसके संबंध में सेक्टर 10 थाने में डकैती का सेक्शन में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की। और उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सुनील उर्फ तोता, जो इस गैंग का मास्टरमाइंड था, उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम आया। और अब जो बाकी साथी इनके पहले हम गिरफ्तार कर चुके थे, उसके बाद कल हमारी सेक्टर 31 CIA यूनिट ने सुनील उर्फ तोता और एक इसमें उसका साथी सुमित उर्फ बाबा, दोनों को अरेस्ट किया है और इनको हमने आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। आगे हम कोर्ट से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। पानी माफिया बनने की कोशिश कर रहा था सर, ये इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है, इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी यही बातें सामने आई हैं कि ये जो इंजर्ड लड़का था वो पानी का सप्लाई का काम करता था और इन्होंने पहले भी उसको धमकाया था कि तू ये काम बंद कर दे, क्योंकि हम ये काम हम करेंगे, तू नहीं करेगा। जब वो उस चीज़ के बावजूद अपना काम कर रहा था तो उसके साथ इन्होंने इस तरह का ये हादसा किया। और इन्होंने उसके साथ नहीं, और भी कई जगह इस तरह के हादसे किए थे, जिसके संबंध में अलग अलग कई केसेस, 4-5 केस अलग से रजिस्टर हैं, जिनकी भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और उसमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन है सर ये सुनील उर्फ तोता और क्या कुछ इसका क्राइम रिकॉर्ड है? ये सुनील उर्फ तोता जो है, पहले से भी काफ़ी सारे मुकदमे, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, इस तरह के मामलों में पहले भी शामिल रहा है और अब भी इसकी इन्वॉल्वमेंट आई है।
और काफ़ी दिनों से हम जनवरी से ही इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये भागा हुआ था और आज ये जो है ना कल पुलिस के हाथा है, अब हम इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? इसके खिलाफ 395, 397 इस तरह की जो लूट और डकैती की सेक्शंस हैं उनके तहत हमने कार्रवाई की है, और पहले भी 307 वगैरह के केस इस पे हैं, उनमें भी गिरफ्तारी इसकी की जा रही है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9643107600।